दोस्तों Redmi 5 इंडिया में लॉन्च हो गया है, लेकिन इसकी जो प्राइस रखी गई है 2GB 16GB की 7999, 3GB 32GB की 8999 और 4GB 64GB की 10999 रुपये, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है। और इस प्राइस में हम लोग को और भी ऐसे स्मार्टफोन मिल जाते हैं जो बेहतर स्पेक के साथ आते हैं, बेहतर फीचर्स के साथ आते हैं। तो क्या आप ये फ़ोन लेना चाहेंगे इतने प्राइस में, और क्या आप दूसरे फ़ोन को नहीं देखना चाहेंगे जो इसी ही प्राइस में मिल रहे हैं? इसमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये फ़ोन लोग लेना चाहेंगे? तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रीज़न इस फ़ोन के ना लेने की, जो आप सुनेंगे तो शायद सोचेंगे कि ये फ़ोन आपको नहीं लेना चाहिए और इसी प्राइस में दूसरे फ़ोन मिलते हैं तो आपको कोई और दूसरा फ़ोन लेना चाहिए। तो मैं आज आपसे बात करूँगा 5 ऐसे रीज़न की जिसके वजह से ये फ़ोन आपको नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आप जल्दी से कर दीजिए लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा के बारे में। तो इस फ़ोन में दोस्तों आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको फ्लैश भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कैमरा दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। कैमरा, चाहे हम सेल्फी कैमरा की बात करें या फिर हम बात करें रियर कैमरा के, दोनों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है। अगर हम बात करें Redmi 4 की, तो उसमें जो हम लोग को कैमरा मिलता था 13+5 मेगापिक्सल का, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ फ्रंट में आपको फ्लैश दे दी गई है, क्योंकि दोस्तों इसी प्राइस में आपको बहुत सारे ऐसे फ़ोन मिल जाते हैं जो आपको इससे अच्छा कैमरा देते हैं, इससे बढ़िया स्पेक देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी कमी के बारे में बात करें दोस्तों, तो दूसरी सबसे बड़ी कमी इसकी है बैटरी। Redmi 4 के बारे में बात करें या फिर Redmi 3S Prime के बारे में बात करें, तो उन सब फ़ोन्स में आपको लगभग 4000mAh की बैटरी मिलती थी, लेकिन इस बार बैटरी की साइज़ भी घटा दी गई। इस बार सिर्फ 3300mAh की बैटरी देखने मिलती है, और इस बार डिस्प्ले जो साइज़ है दोस्तों वो अभी 5.7 इंच है। तो पहले जो थी डिस्प्ले की साइज 5 इंच थी Redmi 4 में, Redmi 3S Prime में, और उसमें बैटरी थी 4000mAh की, लेकिन इस बार जो है फ़ोन को लंबा कर दिया है, पतला कर दिया गया है, लेकिन बैटरी की जो साइज है वो कम कर दी गई है, सिर्फ 3300mAh की बैटरी। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इसमें Redmi 4 के मुकाबले, Redmi 3S Prime के मुकाबले। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है जिसके वजह से आप ये फ़ोन शायद नहीं लेना चाहेंगे। तीसरी सबसे बड़ी अगर कमी के बारे में बात करें दोस्तों, जिसके वजह से आप ये फ़ोन शायद नहीं लेना चाहें, वो है इसका एंड्रॉयड वर्जन। इसमें आपको एंड्रॉयड 7 नोगट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जहां अगर हम बात करें अभी करंट मार्केट की, एंड्रॉयड पी आने वाला है मार्केट में, और अभी तक आपको एंड्रॉयड 7 नोगट ही देखने को मिल रहा है फ़ोन में। ये सोच के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लेना नहीं चाहेंगे इस फ़ोन को, क्योंकि और भी फ़ोन है दोस्तों जो आपको इसी प्राइस में एंड्रॉयड ऑडियो आउट ऑफ द बॉक्स देते हैं, तो यहाँ पे कम से कम एंड्रॉयड ऑडियो आउट ऑफ द बॉक्स देना चाहिए था। चौथी सबसे बड़ी कमी दोस्तों जिसके वजह से आप ये फ़ोन शायद नहीं लेना चाहेंगे, वो है इसका हाइब्रिड सिम स्लॉट। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, यानी 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों पांचवी सबसे बड़ी कमी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो पांचवी सबसे बड़ी कमी है इसकी प्राइस। जिस प्राइस में दोस्तों इसको रिलीज़ किया गया है, उस प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फ़ोन को टक्कर दे सकता है जो मार्केट में अभी अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट एस 3 की, जिसकी प्राइस है 8999 3G वेरिएंट की, तो 3G वेरिएंट आपको 8999 रुपये में मिल जाता है Redmi 5 का भी। तो यही कुछ रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि ये फ़ोन शायद आपको लेना नहीं चाहिए और आपको कोई और फ़ोन की तरफ देखना चाहिए। आप इन्फिनिक्स हॉट एस 3 को ट्राई कर सकते हैं जो बिल्कुल इसी प्राइस में आते हैं, या फिर ऑनर 7C को ट्राई कर सकते हैं। कुछ दिन बाद ये इंडिया में ज़रूर आएगा, अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, तो उसकी प्राइस भी 8999 रुपये है, तो वो आते हैं बेहतर स्पेक के साथ। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था दोस्तों कि अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आपका पैसा सही जगह पे लगे, आपको वैल्यू फॉर मनी मिले जो भी आप फ़ोन लें। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या 8999 रुपये में 3GB जो वेरिएंट है, या 2GB वेरिएंट है, या फिर 4GB वेरिएंट है, क्या ये फ़ोन उस हिसाब से है, ऐसे फीचर्स हैं इसमें जो आप इस फ़ोन को लेना चाहेंगे, या फिर आप कोई और दूसरा फ़ोन लेना चाहेंगे इस प्राइस में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं सारे सवाल को पढ़ता हूँ और सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।